स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। और आज मैं उत्तराखंड की 12वीं टेस्ट सीरीज पर चर्चा करने वाला हूं। इस टेस्ट सीरीज में उन प्रश्नों के उत्तर होंगे जो लास्ट टाइम आपको होमवर्क टेस्ट सीरीज में दिए गए थे। तो जो लोग आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो इस प्रकार का लाल बटन आएगा, सब्सक्राइब पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का चित्र आपके सामने आ जाएगा, अर्थात सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ये ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। और साथ ही साथ एक घंटी का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, इस घंटी पर भी आपको एक बार क्लिक करना है। एक तो आपको घंटी पर क्लिक करना है और एक आपको सब्सक्राइब करना है। इसके बाद आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। जंगल की आग के नाम से किस फूल को जाना जाता है? तो उत्तर होगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजस्थान पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था, जंगल की आग के नाम से किस फूल को जाना जाता है। और वहाँ पर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ऑप्शन में दिया गया, अर्थात वनस्पतिक नाम दिया गया, मूल रूप में से कहा जाता है, जो इसका हिंदी नाम है पलास कहा जाता है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, ये जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। इसे ढाक या पलास भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसे ढाक भी कहते हैं या पलास भी कहते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो जंगल में आग सी लग गई हो। और ये फूल उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलास। थोड़ा सा फूल देख लेते हैं कैसा है, ये है फूल। तो ये फूल जब जंगलों में खिलता है तो ऐसा लगता है मानो जंगल में एक आग सी लग गई हो, तो इसलिए इसको कहा जाता है जंगल की आग। और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है और इसे कहा जाता है पलास या ढाक। तो ध्यान रखेंगे सभी सभी फैक्ट आप। दूसरा प्रश्न है, मारो गोली और काट लो हमारा मायका उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे आप, ये कथन दिया गया था गौरा देवी के द्वारा। गौरा देवी के द्वारा ये कथन दिया गया था जब वहाँ पर इन्होंने वनों की रक्षा करी थी, तो वहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तीसरा प्रश्न है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई? तो उत्तर होगा 1878। साथ ही साथ आपको एक ध्यान रखने होंगे दो फैक्ट इसमें, 1878 में तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना हुई, 1884 में क्या हुआ, इसका नाम बदलकर रखा गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, और 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नाम बदला गया, 1878 में तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो गया और 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 किस देश में मनाया गया? तो उत्तर होगा आपका भारत में। भारत में मनाया गया 5 जून 2018 को, एक डेढ़ महीने पहले की बात है भारत में ये दिवस मनाया गया इस बार। पांचवा है, चिपको आंदोलन की सूत्रधार गौरा देवी के पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था मेहरवान सिंह, ठीक है, मेहरवान सिंह इनके पति का नाम था। थोड़ा सा गौरा देवी के बारे में जान लेते हैं, इनका जन्म 1925 में लाता गांव में हुआ था, विवाह रैणी गांव के मेहरवान सिंह से हुआ और 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा गौरा देवी को पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान रखेंगे एक ही प्रश्न से कई फैक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, प्रश्न पूछे जा चुके हैं, गौरा देवी का जन्म पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में कौन सा जिला दूसरा स्थान रखता है? अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा ऐसा जिला बताइए उत्तराखंड का जहां सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। लेकिन पहले जिले की बात करें तो पहला जिला होगा आपका पौड़ी। ध्यान रखेंगे पौड़ी में काफ़ी जंगल हैं, बाघ द्वारा किसी छोटे बच्चे को उठा लेना या किसी को मारने की घटनाएँ आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और ये घटनाएँ पौड़ी में बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल तो पौड़ी में है, लेकिन उसके बाद कहाँ है, उत्तरकाशी में। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले दो जिलों के नाम बताइए। तो ध्यान रखेंगे आप उद्धम सिंह नगर और हरिद्वार, पहला है उद्धम सिंह नगर, दूसरा है हरिद्वार। आठवां प्रश्न है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनों के मामले में उत्तराखंड का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो ध्यान रखेंगे दूसरा जिला चंपावत है, जबकि पहले स्थान पर कौन सा है, नैनीताल। पहले स्थान पर नैनीताल है और दूसरे स्थान पर चंपावत है। नवा प्रश्न है, विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 2 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1971 से। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है या विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही बात है। तो ध्यान रखेंगे आप, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस दिवस के साथ साथ आपको ये दिवस भी याद रखने जरूरी हैं, विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस
22 मार्च, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो साथ ही साथ आपको ये दिवस भी याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि वन से संबंधित हैं ये या पर्यावरण से संबंधित हैं, तो ये दिवस भी आपको याद रखने जरूरी हैं। 10वां प्रश्न है, गौरा देवी का संबंध किस जनजाति से था? तो उत्तर हो जाएगा आपका भोटिया जनजाति से इनका संबंध था। 11वां प्रश्न है, यूएनए द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया? तो ध्यान रखेंगे 2011 को वन वर्ष घोषित किया था यूएनए द्वारा। 12वां प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है इसका 1890 में स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। 13वां प्रश्न है, तिलाड़ी कांड के समय टिहरी के राजा नरेंद्र शाह कहाँ की यात्रा पर गए थे? तो उत्तर हो जाएगा आपका यूरोप। यूरोप की यात्रा पर गए थे जब तिलाड़ी कांड हुआ था, उस समय नरेंद्र शाह भारत में नहीं थे बल्कि यूरोप की यात्रा पर गए थे। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन दिए हैं आपको, देखो एक मिनट, फूलों की घाटी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी या गोविंद। तो दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताना आपको। पहला सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला तो सबसे छोटा कौन सा है? फूलों की घाटी, ये नंबर वन पे है सबसे छोटे में। लेकिन दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखेंगे, पहला सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो फूलों की घाटी है, जबकि दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो ट्रिक है गंगा रानी का बेटा गोविंद, फूलों की घाटी गया। फूलों की घाटी तो सभी को पता है छोटा है, सबसे छोटा है, तो इतना भी याद रखेंगे आपकी गंगा रानी का बेटा गोविंद, तो आपको क्रम याद हो जाएगा बड़े से छोटे की तरफ। तो गंगा से याद रखेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, रा से हो जाएगा राजा जी, नी से आप नंदा देवी याद रखेंगे, बेटा से कार्बेट लिंक कीजिए समझ में आ जाएगा, गोविंद से गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और फूलों की घाटी से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे गंगा रानी का बेटा गोविंद फूलों की घाटी गया। तो सबसे बड़ा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है नंदा जी, फिर है कार्बेट, फिर है गोविंद, और फिर है सबसे छोटा फूलों की घाटी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 15वां प्रश्न है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। 16वां प्रश्न है, जगत सिंह चौधरी को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान दिया गया? तो इनको सम्मान दिया गया 2006 में। क्यों फेमस है ये? इन्होंने क्या दिया था, मिश्रित वन खेती मॉडल दिया था। इन्होंने इस मॉडल में बताया कि अधिक ऊंचाई पर भी मैं अलग अलग प्रकार के वृक्ष उगा सकता हूं, क्योंकि उस समय इनको चैलेंज दिया गया था कि आप इतनी ऊंचाई पर वृक्ष नहीं उगा सकते। तो इन्होंने उस वन में अलग अलग टाइप के वृक्ष उगाए, देवदार, चीर, बांज, सारे वृक्ष इन्होंने वहाँ पर उगाए, जिससे काफ़ी फेमस हो गए। इनका संबंध कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले से। हाल ही में चर्चा में रहे हैं ये, क्योंकि उत्तराखंड वन विभाग ने जगत सिंह चौधरी को राज्य में वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इन्होंने गढ़वाल में इतने वृक्ष लगाए कि इनको किसकी उपाधि दी गई? जंगली की उपाधि दी गई। जंगली इनकी एक उपाधि है, वास्तविक नाम इनका है जगत सिंह चौधरी, और जंगली की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वृक्ष लगाए, और ऊंचाई पर भी इन्होंने वृक्ष लगाए जहाँ पर वृक्षों को उगाना नामुमकिन था, तो वहाँ पर इन्होंने अलग अलग प्रकार के वृक्ष लगाए, और यही था इनका मिश्रित वन खेती मॉडल। तो चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के किस कांड से है? तो ध्यान रखेंगे आप, इसका संबंध है रवाई कांड से या तिलाड़ी गोली कांड से। तो थोड़ा सा देखते हैं इस डिटेल में इसके बारे में। तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान में हुआ था। वर्तमान में ये कहाँ है? उत्तरकाशी में, लेकिन उस समय टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता था जब ये कांड हुआ था। तिलाड़ी का मैदान यमुना नदी के किनारे है। इस कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, और राजा नरेंद्र शाह के समय ये कांड हुआ था, लेकिन नरेंद्र शाह इस समय भारत में नहीं थे, वो यूरोप की यात्रा पर गए थे। इस कांड के बाद चक्रधर ज्वाल की तुलना जनरल डायर से की गई थी। तो हुआ क्या था, 30 मई 1930 से पहले एक नया वन कानून निकला। इस वन कानून के तहत हुआ क्या, जो लोग थे उनके जो खेत थे, उनके खेत सरकारी जमीन के अंतर्गत आ गए, मतलब वो सरकार के अंडर में आ गई उनकी ज़मीनें, जिसके कारण लोगों में आक्रोश भर गया और उन्होंने एक पंचायत का गठन किया जिसको नाम दिया गया आज़ाद पंचायत। तो ध्यान रखेंगे क्या नाम दिया गया था, आज़ाद पंचायत। और जब 30 मई 1930 को इस पंचायत की सभा हो रही थी तिलाड़ी के मैदान में, तिलाड़ी का मैदान कहाँ है, बड़कोट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे बड़कोट में है और जिला उत्तरकाशी। तो जब वहाँ पर सभा हो रही थी तो फिर चक्रधर ज्वाल ने इन पर गोलियाँ चलवा दी थी,
इसलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। नरेंद्र शाह के समय ये कांड हुआ था। नरेंद्र शाह इस समय यूरोप की यात्रा पर थे, यमुना नदी के किनारे है। तो सभी फैक्ट आपको याद रखने जरूरी हैं। 18वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन कितने से कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा आपका 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। 19वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड को वनस्पतिक बगीचा कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे, चरक संहिता में उत्तराखंड को वनस्पतिक बगीचा कहा गया है। और चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। 20वां प्रश्न है, किस वनस्पति को वनस्पति विज्ञान में बेरबरीज एरिस्टाटा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, किलमोड़ा को वनस्पति विज्ञान में बेरबरीज एरिस्टाटा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किलमोड़ा का वनस्पतिक नाम क्या है परीक्षा में, तो बेरबरीज एरिस्टाटा ध्यान रखेंगे आप। उत्तराखंड राज्य में लगभग कितने प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे, 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है। 22वां प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। बहुत बार पूछा गया है UPPCS में ये 2001, 2004, 5, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। तो ध्यान रखेंगे, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना UNEP अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1987 में की गई थी, लेकिन 2005 से इसके स्थान पर UNEP द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है। अब ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसके बदले दिया जाता है चैंपियन ऑफ द अर्थ। तो ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। 23वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे आप, इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में स्थित है। तो और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, 1972 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में, ठीक है। भारत में वन्य जीव सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो ये होगा आपका अक्टूबर में, और 2 से 8 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में मनाया जाता है। सप्ताह मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, इसलिए इग्नोर करें इसको, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है टाइप करने में, क्योंकि मोबाइल में ही टाइप करता हूँ। यहाँ पे सब पा होना चाहिए था, मैंने फा लिख दिया गलती से, लेकिन आपको इस चीज़ से ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रखना है केवल कि अक्टूबर में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है और 2 से 8 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। 25वां प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप, 3 मार्च को ये मनाया जाता है। बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न डाले हैं ये वन संबंधी, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को नोट जरूर कर लें आप। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। 26वां प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर होगा आपका कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, और ये उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री थे। तो ध्यान रखेंगे, वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी के द्वारा। 27वां प्रश्न है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, 1 से 7 जुलाई, ठीक है, 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। या पूछा जा सकता है कि वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप, जुलाई में ये मनाया जाता है, और डेट पूछ लेगा तो 1 से 7 जुलाई के बीच में ये मनाया जाता है। 28वां प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ध्यान रखेंगे, 1980 में ये लागू हुआ था, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? 29वां प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे, भोपाल में है और ये अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित हुआ था। 30वां प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो ध्यान रखेंगे, खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो आज की सीरीज यहीं पर ख़त्म करते हैं। कत्था बनाने हेतु खैर की लकड़ी है, यहाँ पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, खैर की लकड़ी का उपयोग होता है। तो मिलते हैं जल्दी आपको एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। कैसी लगी आपको टेस्ट सीरीज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं और अपने सुझाव हमें देते रहें। मैंने प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दी है, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए, तो 30 प्रश्न मैंने इस बार डाल दिए हैं और डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश भी की है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव बताते रहें, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।